भाभी तो हम लोग निकल चले अपनी राम प्यारी लेके, क्यों मीना राम प्यारी मेरी छोटी सिस्टर गाड़ी चला रही है, भाभी बैठी है पीछे। हम लोग सब तीनों लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए, अभी पता नहीं है कहाँ लेके जा रही है, पर घुमाने ले जा रही है। कौन से गार्डन नहीं बताई कैसी नहीं, अभी नहीं बताएंगे कौन से गार्डन है, हम जाके वहाँ नाम पढ़ के बता देंगे आप लोगों को, ठीक है ओके। कौन सा गार्डन है अब तो बता दो, भवरताल गार्डन है और बहुत सुंदर है और काफी बड़ा है जहाँ पर हम लोग घूमने आए। हाँ लग भी रहा है, देखो ना पूरा कितना अच्छा स्टैचू है, देखो आप लोग पूरा, और ऐसा लग रहा है जैसे लोहे का हो। यस पत्ती है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्टेस्ट चीजें रहती हैं ये, देखो ऐसी जगह आना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और इस पार्क में आने से पहले टिकट लेना पड़ता है और तभी शायद इसी कारण इतना मेंटेन है ना, क्योंकि जब मैंने हमारे यहाँ तो नहीं देखा कोई से पार्क में टिकट होता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि मेंटेनेंस बना रहता है इस तरीके से, फालतू के लोग भी नहीं घुसते हैं, फालतू के लोग एंट्री नहीं देते हैं ऐसी जगहों पर, और फैमिलीज वगैरह आराम से आ सकती हैं। तो अभी यहाँ फोटो सेशन चल रहा है सिस्टर और भाभी का, ये लोग फोटो सेशन कर रही हैं और मैंने भी एक दो रील बनाई है यहाँ पर, और मैंने पहले ब्लैक सूट पहना था दोस्तों, फिर मेरी सिस्टर ने चेंज करा दिया, कहीं नहीं दीदी आप दूसरा सूट पहनो, उसकी पसंद से फिर मैंने ये वाला सूट पहना। ये देखो कितना प्यारा, मतलब बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है ना मुझे भी बहुत प्यारा लगता है दोस्तों, प्यारा व्यू लग रहा है, धुआंधार है, यहाँ पर बच्चे देखो कितना स्केटिंग वगैरह खेल रहा है, बहुत अच्छा मैदान है और सिर्फ पर्टिकुलर स्केटिंग के लिए है, ये देखो भाग रहे हैं बच्चे, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सच बताऊँ थोड़ा शांति मिल रही है आके यहाँ पर, थोड़ा सा तो टेंशन से बाहर निकली, जरूरी भी है ना इंसान को एक जैसा, क्योंकि लोग तो टॉर्चर करने से मानते ही नहीं है, उनका काम है टॉर्चर करना, किसी न किसी तरीके से वो लोग यही सोचते हैं कि कैसे भी करके उसके माइंड को डिस्टर्ब किया जाए, खैर कोई बात नहीं वो बैठा है ना ऊपर वाला सबका हिसाब करने के लिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बस दैट्स इट, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी और कुछ नहीं। मैंने कैमरा इसलिए पीछे किया कि ये लोग एकदम से भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से, इसलिए कितना अच्छा लग रहा है यार मुझे यहाँ, पता है बहुत सुकून मिल रहा है इन बच्चों को देख के, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ये लोग जो स्केटिंग कर रहे हैं मैं बहुत ध्यान से इन लोगों को देख रही हूँ, एकदम से ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यार, हेलो ये आए हैं, बहुत बहुत अच्छा,
अभी हम आ गए हैं थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए। क्या खा रहे हैं अभी बताएंगे आप लोगों को। लोग यहाँ पर बैठे वेट कर रहे हैं हम, जैसे आएगा वैसे बताएंगे। और बस आज हम तीनों भाभी और मेरी छोटी सिस्टर और हम तीनों ही बाहर निकले हैं सिर्फ मस्ती करने के लिए। और ये आ चुका है हमारा फाइनली डोसा। हमको डोसा खाना था, मुझे बहुत इच्छा थी। मैं पहले जबलपुर आई थी, बहुत साल पहले की बात है, जबलपुर तो मैं आती ही रहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का डोसा बहुत पसंद है। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर से कहा कि यार मुझे वहाँ का डोसा खिला जहाँ मैं अपने पहले खाया था, तो मिस कर रहे थे। तो अभी हम लोग ये डोसा खा रहे हैं। क्या हो रहा है, इतना मस्ती ये थे। इतनी मस्ती हो रही है, मस्ती टाइम। ओ ये देखो सारे कजिन्स इतने बुरी तरीके से ला रहे हैं और बीच में जो मिस्टी के नाटक चल रहे हैं सब। ये देखो मिस्टी को उठा के फेंक दो। ये होता है जब सारे कजिन इकट्ठे होते हैं, सारी बहनें भाग गई ये सब। देख लो, देखा ना दोस्तों कितनी मस्ती हो रही है। मुझे सच बताऊं ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोलूं मैं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो गया है मेरा। सबके साथ रहो ना तो अच्छा भी लगता है, एक बात है। ये सारे बच्चों के साथ कब टाइम निकल जाता है, चिल्लाते ही रहो इन लोगों के ऊपर, इतनी मस्ती करते हैं ये लोग। अभी देख रहे हैं ना आप लोग एक दूसरे के ऊपर चीना झपटी मार पीट ये सब चल रहा है इन लोगों का। ये खैर तो चलिए दोस्तों, अभी तो रात बहुत हो गई है, दिन भर का ब्लॉग कंप्लीट करना है और कल का क्या प्लानिंग है वो बताएंगे आप लोगों के लिए कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। इतना ज़रूर बताएंगे कि हमारे दामाद जी भी आने वाले हैं यहाँ पर, हमारी भतीजी आने वाली है, तो फिर और ज़्यादा मस्ती होगी और ज़्यादा शोर शराबा होगा यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आज का ब्लॉग क्या मैं यहीं कंप्लीट कर सकती हूँ? कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और ये अभी कंटिन्यूसली इन लोगों की मस्ती तो चालू रहेगी, क्योंकि ये लोग रात में क्या होता है दोस्तों, दो दो तीन तीन बजे तक जाग रहे हैं ये लोग, सोते ही नहीं हैं। कह रही हैं कि कब कब मिलते हैं, कब कब क्या, अभी साल में चौथी बार मिल रहा है, चौथी क्या, यहाँ चौथी बार, पिछले साल से अभी तक का टाइम में मैं अब चौथी बार आ चुकी हूँ ना, पर क्या करूँ, अच्छा भी लगता है यहाँ, सही बताऊँ ये। और मेरी बहन और उनके जो हस्बैंड हैं, हम लोग भाई बोलते हैं उनको, क्योंकि मेरी बहन छोटी है और जो उनके हस्बैंड हैं वो मतलब उनको मैं भैया ही बोलती हूँ शुरू से ही, और वो बहन जैसे ही मुझे ट्रीट करते हैं हमेशा, मतलब शुरू से ही मुझे एज ए, मैं उनको टीका भी लगाती हूँ, राखी भी बांधती हूँ। मैं आपको बताऊँ तो ये रिश्ता आप लोग कुछ भी समझो, वो मेरे से राखी बंधवाते हैं, टीका भी लगवाते हैं, अभी भी आई तो उन्होंने टीका लगवाया मुझसे। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मतलब क्या बोलूँ मैं, ये पर मीना मेरे से कहती तूने मेरा रिश्ता ही चेंज कर दिया, मेरी छोटी बहन बोलती है, लेकिन ठीक है वो शुरू से ही मतलब बहुत अच्छा है और क्या। तो और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परी जो है मीना मेरी छोटी बहन की बेटी और राधिका, बिल्कुल 9 दिन का फ़र्क है दोनों में, एक साथ डिलीवरी हुई थी हम दोनों की। ये क्या चल रहा है मिस्टी अभी भी तुम्हारा, ये लोग जरूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे दोस्तों, मैं देखने जाती हूँ, रुक जाओ, क्योंकि ये डस्टर लेके गई है यहाँ से, चौक और डस्टर। कुछ भी लिखा रहा है, कुछ लिखा रहा है कि चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अभी तो गुड नाइट,
मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर 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 बताना दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, जय श्री राम।